हेलो लर्नर्स, वंस अगेन वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स। मैं हूँ आकांक्षा और आज का ये वीडियो है जो है वो एक न्यूमेरिकल पर बेस्ड है। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 के पोर्शन में से है। इसमें इस न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछा गया है कि कैसे लिखनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, An atom of an element contain 29 electrons and 35 neutrons. Now deduce. First part है the number of protons. Second part है the electronic configuration of the element. तो पहले इसमें number of protons निकालेंगे और जब हमें number of protons मिल जाएंगे उसी से हम electronic configuration लिखेंगे। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि number of neutrons हमारे पास है 35 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 29। सो जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इक्वल होते हैं हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो हम कह सकते हैं यहाँ हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 29। ये तो एटम के केस में होता है, लेकिन अगर आयन की बात की जाए, ये जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आयन बोला गया है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी आयन की बात नहीं की गई। इसीलिए हमने जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं को इक्वली प्रोटॉन्स मान लिया। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी 29। हमारे पास 29 प्रोटॉन्स हैं। अब सेकेंड पार्ट है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हम लिखेंगे, अगर मान लीजिए हमारा एलिमेंट था एक्स और इसका एटॉमिक नंबर था 29, तो 1s2, 2s 2, 2p6, 3s2, 3p6, then 4s1 and 3d5. ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन होगा एटॉमिक नंबर 29 के लिए। यहाँ पर अगर आपको डाउट हो तो मैं एक चीज आपको और एक्सप्लेन कर दूं। इन नॉर्मल केस में हम लोग 4s पहले 2 डालते हैं और फिर जो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 बचते और हम 3d4 करते हैं। बट ऐसा नहीं करेंगे, ये नॉर्मल केस है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 29 एक एक्सेप्शन है, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। नंबर 24 क्रोमियम एंड 29, ये दोनों एक्सेप्शन होते हैं। तो इनमें क्या होता है, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये आज का इस क्वेश्चन का सलूशन था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट लगे कॉन्फ़िगरेशन लिखने में या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट करने में, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल हेल्प यू श्योरली। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, केमिस्ट्री नगेट्स पे। सो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। थैंक यू।